मुजफ्फरनगर 2013 के दंगों में उन लोगों ने मुझे घेर लिया और मेरे साथ में गैंगरेप किया। बिल्कुल एकदम झूठा है, एकदम झूठा, एकदम झूठा, एकदम झूठा है, आप पे आरोप लगाए, एकदम बिल्कुल झूठा, एकदम झूठा। मैं उसे जानता भी नहीं, हमने नहीं, मैं तो जानता भी नहीं उसे कौन है कौन नहीं है। 22 साल से बाहर रहूं, छोड़ दो यार, कभी जानता भी नहीं मैं। ये जो 2013 में दंगे हुए थे उस भगदड़ के दौरान मेरी पत्नी के साथ गैंगरेप हुआ था और गांव के ही कुछ जाट बिरादरी के लोग थे, उन्होंने गैंगरेप किया था तो उसमें FIR दर्ज हुई थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इसमें आदेश किया कि इसमें रोज तारीख लगाई जाए और इसे जल्दी से जल्दी केस को कंप्लीट किया जाए, ख़त्म किया जाए। ये जो दंगे हुए थे सन 2013 में, उसमें ग्राम लाक में जो है, जो इसकी पीड़िता थी सलमा, उसके साथ बलात्कार हुआ था। उस बलात्कार का जो ट्रायल था वो पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 मुजफ्फरनगर में पेंडिंग था और उसमें आज फैसला आया है। उसमें जो 3 एक्यूज थे, उसमें से एक एक्यूज जो है कुलदीप, उसके दौरान ट्रायल जो है डेथ हो गई थी, और 2 महेशवीर और आपका सिकंदर, उन्हें जो है जो ट्रायल कोर्ट थी उसके द्वारा जो है सेक्शन 376D में 20 साल की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माना, और सेक्शन 376(2)G में 10 साल की सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माना, और सेक्शन 506 IPC में 2 साल की सज़ा की। सूचना दी गई कि जो वो उस समय कि मैं पीड़ित चल रही हैं और आ नहीं पाई, इसलिए उसमें कई डेट तक बहस नहीं हो पाई। हाँ सुनो, बहस नहीं हो पाई। फिर उन्होंने 2 तारीख पर 2 डेट्स पे अपनी बहस कंप्लीट की, उसके बाद हमारी बहस प्रारंभ हो गई। और बहस सुनने के बाद ये शायद दिसंबर का महीना तब तक आ गया था। यद्यपि हर बार हम पे आरोप लगाए गए कि इनकी वजह से, हमारी वजह से कोई डिले नहीं हुआ, उसके बाद अब जब से ही आदेश आए थे डे टू डे उसमें आर्गुमेंट चल रही और अति शीघ्र उसके निस्तारण की संभावनाएं हैं।